रची है सृष्टि उसने सारी। रची है सृष्टि उसने सारी, देवी है लक्ष्मी, लक्ष्मी है नारी, लक्ष्मी है बेटी, बेटी है रानी। उसकी कहानी खुद की जुबानी, लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। लक्ष्मी के हाथ की चिट्ठी पाकर गोमती और पूरन के साथ साथ बिष्णु, जमुना सब खुश हो जाते हैं। फातिमा बुआ की दुल्हन अतिया पढ़ी लिखी है, उसी ने सब कुछ चिट्ठी पढ़ के सुनाई। लक्ष्मी की चिट्ठी सुनकर गोमती रो उठी, बाकी भी सबकी आंखें भर आईं। लक्ष्मी की चिट्ठी ने उसके एक समझदार बेटी होने का सबूत दिया। उधर लक्ष्मी खुश है, मगर पहली बार सतीश के अंदाज से लक्ष्मी चौंकी है। सतीश के द्व्यर्थी संवाद ने लक्ष्मी को उलझन में डाल दिया, मगर फिर खुद को समझाती है कि नहीं, समझने में फर्क हुआ है। सामान्य रूप से सतीश बड़ा ही सुंदर व्यक्तित्व, सज्जन और सौम्य है, इसलिए उसे समझना लक्ष्मी जैसे सरल स्वभाव की लड़की के बस की नहीं है। वैजयंती लता की पड़ोसन है, जो लक्ष्मी की प्रतिभा से बहुत प्रभावित है। जागन भी आते जाते सबकी खैर खबर लेता रहता है। राम राम चच्चा, लगे है बड़े तड़के खेतन पे चले गए, जो जा बखत वापसी भी हो गई। राम राम भाई। अरे दिन दोपहरिया काम ना ही होत है पूरन, सुबह सवेरे निपटा लो तो अच्छो है। आज सूरज चढ़न से पहले ही मैं निकल गयो थो। और सब ठीक है चच्चा? हाँ मैं तो ठीक हूँ। अरे बीमार तो तू रहे थे, दवा दारू कुछ कर रहे हो कि ना? अरे चच्चा, अब तो लक्ष्मी इतनी समझदार हुई गई है कि मो को डॉक्टर को दिखवायो। अच्छा। और दवा दारू शहर से काऊ ना काऊ के हाथ भिजवाए दे है, ना तो गांव देहात में कहाँ इलाज हुई सकत है। अब तो काफी आराम हो चच्चा। अरे हाँ याद आओ लक्ष्मी के नाम पे, अरे बड़ी जरूरी बात करनी है तो से। जरा वक्त निकाल के घर आइयो। कहा बात है चच्चा, बताओ तो सही। अरे गली सड़क पे कहन की नाय है, तसल्ली से सुनन सुनान की है। कछु खास बात है चच्चा? हाँ हाँ खास ही है पूरन। अरे तुम खड़े खड़े सारी बातें हियन करोगे का? अब मैं चलो घर आइयो। अब तुमने तो चक्कर में डाल दो चच्चा। चलो जाई बखत कौने पहाड़ खोद रहे हूँ, फिर कौन मिलन चलन हो, सामने ही तुहार दरवज्जो है। हाँ हाँ चल। तो चलो चच्चा। आ गए तुम, बड़ी जल्दी निपटाए दो काम। अरे और का, खेतन पे बैठो रहे तो का? ओफो, खेत पे बैठन को कौन कह रहो है, तुम तो सीधे ही बात पे मुंह को काटन दौड़ो हो। ऐसो का कह दो मैंने जो चिल्लान को पड़ी। पूरा नाव है, चल चाय बना लिया। आजा पूरन। भैया तू ही समझाए ले इनन को, जा उम्र में इतो गुस्सो करनो ठीक ना है। काय बके जा रही है, जरूरी बात करन को पूरन को बुलायो है, त
तू अपनी राम कथा लेके बैठ गई है। भागे ना जा रहे है पूरन, अगर नेक सी बात पूरन मेरी सुन लेगो तो कोई पहाड़ ना टूट जाएगो। चाची तुम ही बता दो का कहनो चाह रही हो। राम दयाल चच्चा से बात तो हो ही जाएगी बाद में। मुझे कौन खास बात करनी है तो से, बस यही कह रही कि चारो बेटा बउन तो इनके जाई गुस्सा की खातिर न्यारे हो गए, अलगे अलगे चूल्हा कर ले। मैं कहाँ को जाऊँ, मोको तो मरते दम बर्दाश्त करनो है इनके। अच्छा तो तुम मोए बर्दाश्त कर रही है आज तक? और ना तो का, तुम तो बड़ो सुख देत हो मोको, खटिया पे बिठाए के रोटी खिलाए तो, झूले में झूला थो। तो को कोई शर्म है कि नहीं? अरे चुप रही है कि धरू देखे। मत फिर गई है बुढ़िया की। हाँ हाँ अब बुढ़ापन। अरे छोड़ो चाची, चलो चाय बना ले, मैं थोड़ो बतिया ले हूं चच्चा से। लाती हूँ चाय भी। बात ये है कि बड़ो दामाद किसन आओ थो, सुन रहो पूरन? हाँ चच्चा। जावित्री को आदमी खास तौर पर यही बात करन आओ था। का बात चच्चा? बाकू बड़ो लड़का पढ़ लिख रहो है, ऊंचो बांका जवान है, नौकरियों लग जाएगी जल्दी। यही कोई 18-19 बरस को है, लक्ष्मी के रिश्ते की बात करन आओ थो, तो से मिलना भी चाह रहो थो। मैंने मना कर दो कि पहले मैं टटोल लूं। का जावित्री के लड़का की बात? हाँ हाँ वही बता रहो थो कि लड़का बड़ो समझदार है, होशियार है लक्ष्मी की तरह। हाँ पूरन, बड़ो गोरो चिट्टो सुंदर है लक्ष्मी की तरह, कोई है बिना है लड़का में, जमीनो जजायद भी भतेरी है घर में, दुई लड़का हैं जावित्री के, लड़कीन दोनों ब्याह दई। मगर राम दयाल चच्चा, लक्ष्मी तो भाई छोटी है, 14 बरस की भी पूरी नाय भई है, शादी की बात। अरे 14 बरस कम होए है क्या? तू भी हद करता है पूरन। अपनी बिरादरी में 12-13 बरस की उम्र खासी समझी जाए है। तू कौन बिलाय से आओ है? पूरन उम्र तो हो ही गई है लक्ष्मी की, मैं जानू हूँ कि तेरी लाडली है लक्ष्मी, मगर अकल से काम ले पूरन। घर बैठे रोज रिश्ता ना आते हैं, लड़की वाले मारे मारे फिरे हैं, जो तो घरे की बात है, जा करके जावित्री ने अपने खसम को भेज दो, वरना कौन लड़का वाले आते हैं? शहर की लक्ष्मी शहर में ही रहेगी, अच्छो मौको है पूरन। मगर चाची। अगर मगर काहे की, जाके गोमती से मशवरा कर ले, वो तेरी जैसी पागल ना है, अगर मगर ना है करेगी। घर जाए के ठंडे दिमाग से सोच ले पूरन, कोई जल्दी ना है, सो समझ ले। गोमती से ही बात करोगो या और कोई अकल वालो भी पड़ो बहु है सलाहकारन को? चाची लक्ष्मी से भी पूछनो पड़ेगो, और प्रधान जी से मशवरा करने में कोई हर्ज ना है। हाँ हाँ ढिंडोरा पीट ले, हाँ सारे जहान से राय ले लो, गोपी गणेशा ने का बिगाड़ो है, उनन से भी पूछ ले, शायद कोई नई बात सुझाए दे। अरे काहे ती चलाए रही है तू, जाने दियो को, हर्ज भी का है, अरे जैसे ठीक समझे करन दो, कोई जबरदस्ती ना है। अच्छा चाची चलत हूँ, सलाह मशवरा करत हूँ गोमतिया से। अरे गोमतिया, रामदयाल चच्चा ने बड़ी उलझन में डार दाओ है। अरे जामे उलझन की का बात है, तुम तो जरा जरा सी बातन की परेशानी बनाए लेत हो। अब लक्ष्मी के लय अच्छो रिश्ता चच्चा ने बताए दो तो जामे कौन से उलझन हुई गई? अरे बता के लक्ष्मी शादी के लायक भाई है। और ना है तो का? अरे थोड़ी लंबी तगड़ी लगी है, पर उम्र तो ज्यादा ना है। हाँ हाँ रखो बिठाए के घर में, गोदी में खिलावत रहियो,
अरे 14 बरस की हुई गई है, 14 बरस की धींगड़ी इन्हें बच्चिया लग रही है। मैं कब कह रहा हूँ कि 14 बरस की नाय है। अरे 14 बरस की भी कोई उम्र हो वह शादी ब्याह की। अच्छा खासो पढ़ लिख रही है लक्ष्मी, बैठे बैठाए शादी ब्याह के चक्कर में डाल दू बा को। अरे जो शहर नाय है बज्जुर देहात है देहात, तुम्हें बिरादरियों को कछु लिहाज है कि नाय? मोई को देखो, 11 बस में मेरो ब्याह हो गयो हो, 12 बस में गौना हो गयो हो, और तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे शहर में पैदा भए हो। नेक देखो जरा नाते रिश्तेदारी में काऊ को ब्याह हो रहो है, काऊ को गौना हो रहो है। अरे बा बुधिया ताई की तिजिया तो 2 बालकन की अम्मा बन गई है, अपनी लक्ष्मिया से तो छोटी हो है 1 बरस। अनपढ़ गवारन की बात तो कर रही है और प्रधान जी का नाम ना ले मिल रहा। अरे लता की शादी पूरे 20 बरस की करी है। मैं बड़े लोगन की नकल ना करता हूँ, बड़े लोगन की तो बातें न्यारी हैं। अरे वे पैसा बारे लोग हैं, उन लोगन के साथ उठ बैठ के तुम्हारा दिमाग खराब हो गयो है। ले वे डाकदरनियों आ रही हैं, भाषण झाड़ेंगी बैठ के घंटा भर। अरे जमुना चाची आ रही हैं, ठीक है भाई अब तुमसे निबट लेंगी। अरे काय बके जा रही है, कान में पड़ जाएगी, सब बहुत बुराई होगी। तो राम राम डाकदरनी, राम राम चाची, राम राम। अरे नमस्ते। अरे गोमती क्या कर रही है, बच्चे सब ठीक हैं? जमुना चाची बता रही थी अभी कि तूने लक्ष्मी को शहर भेज दिया है, वहाँ पढ़ भी रही है लक्ष्मी। का बताऊं डाकदरनी, बाल बच्चन की फिक्र में दिन रात खटी रही हूँ। राम राम डाकदरनी साहिबा, आप ही जा मूरख को समझाओ। अभी 14 बरस की भई है लक्ष्मी और जे बा के ब्याह की जिद पर पकड़े हुए है। तुम फिर शुरू हो गए, दिमाग तो ना खराब है? जिद की का बात है पूरन। अरे जवान लड़की की माँ फिकर ना करेगी तो कौन करेगो? अरे फिकर करना चाची अलग बात है, कच्ची उम्र में शादी की सोचना दूसरी बात है। लक्ष्मी अभी छोटी है, कम से कम 5 बरस शादी के बारे में सोचो भी मत। क्यों भला, 5 बरस के बाद ठेका ले रही हूँ दागदनी कि लक्ष्मी के लिए अच्छो बर मिल जाएगो और 5 बरस तक कोई ऊंच नीच ना होएगी। देखो डाकदरनी, लौड़िया हमारी है, 5 बरस बाद हमारी को ब्याहनी है और जाऊ बखत अभय निपटाए देंगे तो अच्छो रहेगो। और देखो फिर तुलसा तो तैयार है, जा बखत का हर्जा है? इसलिए चाची क्योंकि 18 साल में लड़की का शरीर पूरी तरह विकसित होता है। अच्छा। उससे पहले शरीर के अंग ना तो पूरी तरह बढ़त पाते हैं और ना उनमें पूरी तरह ताकत मजबूती अच्छा, होती है। अच्छा। कौन हल बैल जोतने हैं ब्याह के बाद, चूलो चौको ही तो करनो है दागदनी। सही बात, का फर्क पड़े है कम भी ताकत है तो? तुम लोग समझने की कोशिश करो, 9 महीने पेट में बच्चे को रखना, फिर जच्चाई के समय बच्चे को बाहर निकालना कोई मजाक है क्या? अंगों का पक्का होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा बन जाता है। तुम तो डाकदरनी ऐसी बातें कर रही हो जैसे हमने तो बच्चा जने ही ना है। अरे लक्ष्मी की उम्र में तो मेरी गोद में लक्ष्मी आई गई ही, हमें तो कोई नुकसान ना है भाव। अरे तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ तो क्या ये गारंटी है कि लक्ष्मी को भी कोई नुकसान नहीं होगा? कच्ची उम्र में शादी करने से, बच्चा जनने से, बच्चे के लालन पालन में दिन रात एक करने से माँ बच्चे दोनों की सेहत को नुकसान है। लो, सुन लो। अच्छा गोमती, इतना वक्त तो अब मुझे है नहीं, अब चलने दे, फुर्सत होगी तो फिर आऊंगी तेरे पास। अच्छा। अभी तो मुझे पूरनपुर जाना है, वहाँ पोलियो का कैंप लगा है आज। अच्छा डाकदरनी, अच्छा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जमुना चाची। राम राम चाची। अब ये डाकदरनी ना आए तो ही अच्छो है, आए गई बातें बनान को। हाँ। बड़ी अकलबंद बने हैं। हाँ। अपनी कोई आस औलाद है ना? हाँ। सुनान चली जच्चई के दर्द। और का अपनी औलाद होए तो पता चले कि फिकर का होता है। अच्छा गोमती मैं भी चलूं। अच्छा चाची, राम राम। राम राम। त,
ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, कोना आए आए कहना चाहिए, कहना आए आए चाहिए। अब हो गया तुम्हारा गाना वाना? अरे जल्दी तैयार हो जाओ, मैं लेट हो रही हूँ बाबा। जल्दी करो, तुम रोज देर लगाते हो। अरे बस दो मिनट में तैयार होता हूँ, पैंट शर्ट अंदर ही है। लक्ष्मी बेटा जल्दी से नाश्ता लगा दो। भैया जी आपका नाश्ता भी तैयार है। तुम भी हद करते हो, कपड़े बेडरूम में जाकर चेंज नहीं कर सकते थे? तौलिया उतारकर यहीं शुरू हो गए? अरे अरे तो क्या हुआ, कोई बाहर का थोड़े ही आया है, अपने घर में हूँ। और फिर अंडरवियर तो पहन ही रखा है ना, अरे नंगा थोड़ी ही हूँ। फिर भी लक्ष्मी है कि नहीं सामने ही? अरे अरे तो क्या, लक्ष्मी तो बच्ची है, छोटी बहन बेटी जैसी है। इतनी छोटी भी नहीं है लक्ष्मी, बड़ी हो रही है, समझदार है। बहन बेटी के सामने इस तरह सिंगल अंडरवियर में तुम्हें शर्म है कि नहीं है? बहन बेटी से भी शर्म की जाती है जनाब। इस तरह की हरकत सिर्फ बीवी या माँ के सामने जायज है, जिनसे कोई पर्दा नहीं होता। बहन बेटी से हमेशा कुछ चीजों का पर्दा करना चाहिए, आई अकल के नहीं? यस मैडम, आइंदा ध्यान रखूंगा आपकी बातें। आती हैं कुछ कुछ समझ में, और बात भी ठीक ही करती हो। वैसे हमारी बीबी है समझदार। हटो भी। हेलो हेलो हेलो, कौन? लक्ष्मी बोल रही है। नमस्ते चाचा। हम चागन चाचा बोल रहे हैं। चाचा मैं लक्ष्मी नहीं, लता बोल रही हूँ। हाँ हाँ लक्ष्मी, मैंने तुम्हारी चिट्ठी पहुंचा दी। अरे जावन चाचा, मैं लता बोल रही हूँ, लता। अरे लक्ष्मी तू बाद में बच जाइए, पहले हमारी सुन ले। लक्ष्मी मैं पागल हो जाऊंगी। ले लाइए। हेलो, हाँ हम लक्ष्मी, राम राम जागन चाचा। अरे सुन ले राम राम, फालतू बात करने की जरूरत ना है। हम प्रधान भैया के घर से फोन ना कर रहे हैं, हम पीपीओ। अरे सुन कहाँ गए थे, उसे पीसीओ से फोन कर रहे हैं। अरे बिल चल रहा हुआ है। ओफो, हाँ हाँ बताओ फोन किस लिए किया है? धरदे का फोन, अब भलाई को जमानो ना है, पूछ रहे हैं सुन क्यों कियो है। अरे हमार का गरज पड़ी पैसा खर्च करने की है, मैं तो सोचो लड़की फिकर कर रही होगी चिट्ठी घर मेहतारी के पास पहुंची कि ना है, है? वो कह रहे फोन काहे कियो, हमारी भला से हम धर रहे हैं फोन। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो जागर चाचा, मैं तो घबरा गई थी कि सब खैर तो है खैर। तू चिल्लाए कह रही है लक्ष्मी, हम पहरे है का है? अरे आइंदा मैं तो को कभी फोन करने की गलती ना करूंगा। फालतू बकें जा रही है, फोन का भी लंबा चौड़ा होगा वो। अरे घर दे रहे हैं, बात करने को कौन सहूर तो को सीखो ना, मिलन में लटा के पूछूंगा यही सिखा रही है तो को। हम बैर ना है ऊंची आवाज में बोलने की कौन जरूरत ना है, धर रहे हैं हम फोन चुड़ैल कहीं की। नाजुक है कांधे बोझा है ओढ़े, कैसी सजा क्यों उदासी के घेरे, छोटी है प्यारी है बेटी है लक्ष्मी, गले से लगा लो घर में है लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी।